अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ लेक्चर नंबर 32 फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज 5.2। सो मूविंग फॉरवर्ड, अनदर टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अब फैक्टर्स एक्सप्रेशन जो होंगे, फैक्टर्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हम उस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स निकालेंगे। एज वी have already learned that the factors x square plus px plus q are x plus a, x plus b। यहाँ पे हम क्लास 8 में डिस्कस करके आए, स्टडी कर आए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो तरह के जो रूट्स निकलते हैं, x plus a, x plus b। सो प्रोवाइडेड p इज इक्वल टू ए बी, पी बराबर जो है कि a और b के, और q बराबर ए बी मल्टीप्लाइड, मतलब दो a plus b। नाउ वी एक्सप्लेन द मेथड फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकें। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए बी सी दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स एंड बी आर फैक्टराइज विद टू पॉलीनॉमल्स बायनॉमल्स। यहाँ पे एक्सप्रेशन के विद दो टर्म्स होंगे, और जिस तरह प्रोवाइडेड द मिडिल टर्म इज ऑब्टेंड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोवाइडेड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो होगा ऑब्टेंड होगा, मिलेगा जब हम प्रोडक्ट कराएंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म एक्सप्रेशन को आपस में। मेथड पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेथड किस तरह से इक्वेशन के किसी भी फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला जो नंबर वन जो है उसका मेथड का है, तो केस नंबर वन ये है, फाइंड ए कोफिशेंट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए हमें फाइंड करना है, बी कोफिशेंट एक्स का होगा और सी कोफिशेंट जो होगा कांस्टेंट टर्म होगा, ये हमें पता होगा। और इसी तरह से नंबर टू है, फाइंड टू नंबर्स। यहाँ पे हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं, सच एज पी प्लस बी विच इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी और पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे दो टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। नंबर थ्री, द फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर ए एक्स प्लस बी। जो फैक्टर्स हैं एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू अपॉन ए। नाउ इलस्ट्रेट द एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल नंबर वन इज दैट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव। सो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। अब ए बराबर होगा सेवन के, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ सेवन है, तो यहाँ पे कोफिशेंट ए बराबर सेवन के, बी बराबर माइनस ट्वेल्व के और सी बराबर फाइव के। एज वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना होता है, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू बराबर किसके होता है, वो बराबर होगा क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। सो पी एंड क्यू इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे ए बराबर है सेवन के और सी बराबर है फाइव के, तो इस हिसाब से टेक पी इज इक्वल टू माइनस सेवन और क्यू इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो बाय कंडीशन अप्लाइंग बोथ, यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंडीशंस, तो सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव और प्लस फाइव। यहाँ पे हमें जो मिडिल टर्म है वो ब्रेक करना होगा, मिडिल टर्म होगा वो हमें ब्रेक करना होगा, माइनस सेवन माइनस फाइव तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जब क्लास एट में इस तरह फैक्टर्स निकालते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, इस तरह से ये एक मेथड है, पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू ए एंड पी मल्टीप्लाई क्यू विच इज इक्वल टू ए सी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर टू है, रिजॉल्व द फैक्टर्स। यहाँ पे 15 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 22 एच एक्स प्लस 8। इसको हमने फैक्टर्स, इस इक्वेशन को हमें फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, तो किस तरह करेंगे। इसी तरह सबसे पहला जो होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट ए विच इज इक्वल टू 15 और एक्स का कोफिशेंट होगा बी विच इज इक्वल टू माइनस 22 और सी जो कॉन्स्टेंट है विच इज इक्वल टू 8। सो पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस 22 आ जाएगा। इसी तरह जो होगा ए मल्टीप्लाई सी, तो ए 15 मल्टीप्लाई 8 तो 120 होगा। यहाँ पे पी बराबर माइनस 10 के होगा और क्यू बराबर माइनस 12 के होगा। अब यहाँ से माइनस 22 को हम जो है फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे, तो माइनस 10 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ पे फैक्टर्स अप्लाई करेंगे, 5xh इंटू 3hx माइनस 2 और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3hx माइनस 2। तो यहाँ पे हम इस तरह रख सकते हैं 3hx माइनस 2 और 5hx माइनस 4। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी रिजॉल्व होगी फैक्टर्स मेथड में।
आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से भी साल हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, 5.3 एक्सरसाइज इज फॉर योर असाइनमेंट। देयर आर 4 क्वेश्चंस व्हिच यू हैव एंड यू हैव टू सबमिट इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट इन ग्रुप। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।